हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पेट के लेफ्ट साइड में पेन या दर्द किस कारण से होता है और बाईं साइड में पेट के ऊपर या नीचे की तरफ यदि दर्द होता है तो ऐसा होना किस बीमारी का लक्षण होता है या संकेत होता है। आमतौर पर लोगों को पेट के लेफ्ट साइड में दर्द पेट के बाईं ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से में महसूस होता है। लेफ्ट साइड में यदि पेट में दर्द है तो ऐसा दर्द ज़्यादातर आमाशय, आंत की समस्या या पेट की मसल्स में कोई समस्या होने के कारण होती है, या फिर लेफ्ट किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो हो सकती है। दोस्तों, पेट के बाईं तरफ या लेफ्ट साइड में ऊपर या नीचे की तरफ दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण जो होते हैं वो हल्के फुल्के होते हैं, जिनमें आपको डॉक्टर से इलाज की आवश्यकता नहीं होती, और कुछ कारण खतरनाक हो सकते हैं जिनमें आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। पेट के लेफ्ट साइड में यदि दर्द की समस्या है तो उसका कारण मसल में ऐंठन की समस्या होना भी हो सकता है, और ऐसा अधिकतर उनके साथ होता है जो अधिक भार उठा लेते हैं, गलत तरीके से चलते या उठते बैठते हैं या लेटते हैं। तो ऐसे में यदि आपको पेट में दर्द है तो इससे आराम पाने के लिए आपको पर्याप्त रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा उस जगह का यदि आप ठंडा सेक करते हैं तो आपको आराम जल्दी मिल जाता है। दूसरा कारण होता है पेट में लेफ्ट साइड में दर्द होने का, और वो होता है गैस, जिसमें आपको पेट में भारीपन की समस्या होती है, बार बार डकार आते हैं और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता और मन भरा भरा सा लगता है, जी मिचलाता रहता है। ऐसे में आपको एंटासिड दवाई डॉक्टर दे सकता है, आपको सही आराम करना होता है, और उसके अलावा अपने खाने पीने पर कंट्रोल करना होता है ताकि आपको यह समस्या बार बार ना हो। दोस्तों, तीसरा कारण लेफ्ट साइड में पेट दर्द होने का होता है कि पेट के लेफ्ट भाग में आमाशय यानी कि आपका स्टमक पाया जाता है, और जब इसमें इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए तो यह प्रॉब्लम गैस्ट्राइटिस कहलाती है। ज़्यादा शराब पीने से या पेन किलर दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके पेट के अंदर जो सुरक्षा परत होती है स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर, उसका नुकसान होता है, उसमें सूजन आ जाती है, और जिसे कि हम मेडिकल भाषा में गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। और यदि इसका इलाज न करवाया जाए तो आगे चलकर ये कंडीशन पेट का अल्सर या पेट का कैंसर का भी रूप ले सकती है। गैस्ट्राइटिस होने पर पेट में भारीपन और फूला हुआ सा महसूस होता है, खून की उल्टी होना, कुछ खाते ही उल्टी हो जाना, बुखार और मल के साथ खून आना आदि इसके लक्षण होते हैं, और ये लक्षण आपको नज़र आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक बात और, गैस्ट्राइटिस का जो पेन है वो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ महसूस होता है। इसके अलावा डाइवर्टिकुलाइटिस होना, जो कि बड़ी आंत में इन्फ्लामेशन या सूजन होती है, जिसका दर्द बाईं तरफ पेट के निचले हिस्से में महसूस किया जाता है, और यह दर्द एकदम से शुरू हो सकता है। बुखार होना, मल के साथ खून आना इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। इलाज ना करवाया जाए तो आंत फटने का भी डर रहता है या आंत में ब्लॉकेज भी हो सकती है। आमतौर पर इसके इलाज के लिए डॉक्टर आपको एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटीबायोटिक मेडिसिन देता है। डाइवर्टिकुलाइटिस के अलावा कोलाइटिस होने पर भी आपको बड़ी आंत में सूजन या इन्फ्लामेशन होने की शिकायत रहती है। डाइवर्टिकुलाइटिस और कोलाइटिस में ये अंतर होते हैं कि कोलाइटिस के जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं, और जब आपको इसकी समस्या होती है तब आपको दस्त आना या मल के साथ खून आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कोलाइटिस की समस्या जो होती है वो ज़्यादातर इन्फेक्शन या ब्लड सप्लाई में रुकावट होने से या ऑटो इम्यून रिएक्शन होने के कारण ज़्यादातर होती है। इसके अलावा यदि आपके शरीर में चिकन पॉक्स के वायरस हैं तो आपको लेफ्ट साइड में पेट दर्द की समस्या हो सकती है, खासकर आपको पेट दर्द के साथ स्किन पर लाल चकते, जलन की शिकायत होती है। यदि आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो आपको अपना टेस्ट डॉक्टर से ज़रूर करवाना चाहिए। इसके अलावा लेफ्ट साइड में पेट दर्द होने का एक और कारण होता है, और वो होता है कि आपके आंत में गांठ के कारण रुकावट पैदा होना, या फिर हर्निया के कारण, या फिर मल जमने के कारण आंत में रुकावट हो जाना। ऐसी रुकावट छोटी या बड़ी आंत किसी में भी हो सकती है, जिसके कारण आपको जी मिचलाना, कब्ज, पेट में दर्द रहने और भारीपन की समस्या आती है। ऐसे लक्षण हो तो डॉक्टर से जांच करवाएं, क्योंकि इलाज ना करवाने पर आंत को नुकसान हो सकता है।
और कुछ मामलों में आंत फट भी सकती है। इसके अलावा पेट के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ दर्द हर्निया की शिकायत होने के कारण भी हो सकता है। हर्निया होने की पहचान का ये लक्षण है कि जब आप आराम करते हैं तो इसका दर्द चला जाता है, लेकिन आप जब रोते हैं, हंसते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं या कोई कार्य करते हैं, कोई भार उठाते हैं, तो आपको पेट के निचले हिस्से में तेज़ दर्द की शिकायत होती है। हर्निया का जो दर्द है वो धीरे या तेज हो सकता है। यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से ज़रूर मिले। लेडीज़ में यदि बात की जाए पेट के लेफ्ट साइड में दर्द होने की, तो लेडीज़ को जो दर्द है वो पेल्विक ऑर्गन होते हैं जैसे कि गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब्स या अंडाशय में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने के कारण भी हो सकता है। तो यदि आप महिला हैं और आपको बुखार या योनि से किसी प्रकार का डिस्चार्ज होना या पेशाब करते समय जलन या दर्द होने की शिकायत है, तो आपको डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। इस प्रकार यदि आपको पेट में लेफ्ट साइड में किडनी में पथरी की समस्या है, तो भी आपको लेफ्ट साइड में पेट दर्द की समस्या हो सकती है। किडनी स्टोन यानी कि पथरी होने पर आपको पेशाब में जलन और पेशाब में बुरी स्मेल आना या बार बार पेशाब आने की शिकायत हो सकती है। तो यदि पेट दर्द के साथ आपको पेशाब से संबंधित समस्याएं आए, तो आपको किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके अलावा लेफ्ट साइड में यदि आपको दर्द या जलन की समस्या हो रही है पेट में, तो ऐसा मुख्य रूप से बदहजमी या अपचन के कारण होता है, जो कि खराब खानपान, मानसिक तनाव या किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट या प्रेगनेंसी के कारण होना आम बात होती है। तो यदि आपको ऐसी समस्या आती है तो आप घरेलू उपाय अपना सकते हैं, या ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, यदि आपको घरेलू उपायों के बाद आराम ना मिले और आपका पेन जो है वो बढ़ता जा रहा है और आपको बहुत समस्या हो रही है उसके कारण, तो ऐसे में देर नहीं करनी चाहिए और किसी अच्छे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, यानी कि पेट के डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए और सही समय पर सही इलाज लेना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादातर कारण जो है लेफ्ट साइड पेट दर्द के होने के हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।